नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान की जर्जर हालत पर जिला प्रशासन ने उठाए सुरक्षा के कदम, छात्राओं को भेजा एक सप्ताह की छुट्टी पर। ब्राह्मण समाज ने किया बैठक का आयोजन, समाज के कल्याण हेतु उठाए कदम। आरक्षण के रूप में छेड़छाड़ करने के लिए बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप, कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बॉक्सिंग कलम ने मनाया अपना 70वां स्थापना दिवस। TITS में हुआ पूर्व छात्र मिलन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मचाया धमाल। हेलो किड्स स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक महोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। बार बार सुर्खियों में आने पर स्थानीय बंसीलाल सामान्य अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास की सुध प्रशासन ने ले ली है और इसके मरम्मत के लिए यहां रह रही छात्राओं की एक सप्ताह के लिए छुट्टी भी कर दी गई है। गौरतलब है कि लंबे समय से जर्जर हालत के चलते छात्राओं द्वारा प्रदर्शन व SDM के दौरे के बाद ही कुछ सकारात्मक कार्यवाही शुरू हुई है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से नर्सिंग छात्रावास के कमरों की छतों का मलबा गिर रहा था, जिसके चलते जर्जर भवन की हालत सुधारने की मांग को लेकर नर्सिंग छात्राएं धरने पर बैठी थी। 8 दिनों तक छात्रावास की छत से मलबा गिरने के बावजूद अधिकारी अपना पीछा छुड़वाते दिखाई दिए। कोई पत्राचार की बात कर रहा है तो कोई अनुमति का राग अलापता रहा, जिसके चलते नर्सिंग छात्राओं को पिछले 8 दिनों तक खासी परेशानियां झेलनी पड़ी, जिसके बाद शनिवार को जर्जर भवन की हालत सुधरवाने का आश्वासन देकर छात्राओं को एक सप्ताह का अवकाश देकर अपने अपने घरों पर भेज दिया गया। इस बारे में ANM द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रीति व किरण से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि छात्रावास की हालत खस्ता हो चली है। 7 फरवरी से निरंतर किसी न किसी कमरे का मलबा गिर रहा है। प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लिहाजा उन्हें एक सप्ताह की छुट्टी दे दी गई है। छात्रावास की व्यवस्था होने का उन्हें भरोसा दिलाया गया है। यदि 7 दिन बाद भी छात्रावास की व्यवस्था नहीं ठीक हुई तो दोबारा से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने छात्राओं को एक सप्ताह की छुट्टी देकर अपना पीछा छुड़वा लिया है। LDC ने हमारे जो हॉस्टल है उसका राउंड किया था। राउंड के अनुसार उन्होंने जो बिल्डिंग को सकंडम घोषित कर दिया गया है और ये बोल रहे कि अभी हमारे एक्सपर्ट भी आएंगे, अगर उनके अनुसार हमारी बिल्डिंग घोषित हो गई, कंडम घोषित हो गई तो यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। और इसी दौरान हमें 7 दिन की छुट्टी दी गई है कि 7 दिन का टाइम लिया गया, अगर 7 दिन में हमारा सोल्यूशन होता है तो ठीक है, वरना हम फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। छात्राओं और कल जो SDM साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा है कि हमें 7 दिन का टाइम दिया जाए और अगर 7 दिन तक भी कुछ नहीं होता तो हम फिर से धरने पर बैठेंगे। तो अब आपका जो डिसीजन लिया और हमारी मैम ने हमें यह आश्वासन दिया कि तुम 7 दिन के लिए छुट्टी पे जाओ और तुम्हारी छुट्टी नहीं कटेगी। हुआ है जो मैंने अभी उसको देखा तो 2 करोड़ के आसपास का जो 2 विभाग अभी इसके हो गए हैं, एक तो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन है, एक DMER है, एजुकेशन रिसर्च है। तो DMER के पास 2 करोड़ रुपये के लगभग इसका रख रखाव के लिए ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उस लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिल्डिंग स्थिति में है कि इसको रिनोवेट किया जा सके या फिर कंडम है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे जो एक्शन साहब हैं उन्होंने एक जो कंसल्टेंसी एजेंसी है उसको पत्राचार किया है उसके, और विद इन 2 to 3 days एक्सपेक्टेड है कि वो आके इसको चेक करेंगे क्या इस बिल्डिंग को दोबारा से रिनोवेट किया जा सकता है या फिर ये कंडम डिक्लेयर की प्रिंसिपल को डायरेक्शन दी गई है। जहाँ तक के बिल्डिंग के रिगार्डिंग है उसका हमने अपने जिम्मा उठा लिया है और इसको सॉर्ट आउट करा के जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कराएंगे। रविवार को स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र में स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने एवं समाज के युवाओं को सही मार्गदर्शन के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता चंदगीराम शर्मा द्वारा की गई। सभा को अनिल कौशिक हलवासिया ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज के युवाओं को हर संभव मदद देने के लिए वो सदैव तैयार हैं। स्थानीय दिनोद गेट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए सर्व समाज कल्याण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया ने बताया कि बैठक में ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनका निवारण करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इस अवसर पर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा, BTM टेक्सटाइल मिल के पूर्व प्रबंध
प्रबंधक राजेंद्र कौशिक व डॉक्टर रविकांत तथा बैठक में अनेक अन्य अतिथियों ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक को समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी संबोधित किया। वहीं बैठक में जिले भर से ब्राह्मण समाज के गणमान्य व्यक्ति, ब्राह्मण समाज के सभी संस्थाओं के प्रधान व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ब्राह्मण महासभा का संरक्षक हूँ और आज की सभा का अध्यक्ष हूँ। और जो सुना आज जो एजेंडा है, अनिल कौशिक जो हलवास से है वो पहले सरकारी नौकरी में रहे हैं और अब उन्होंने जो है समाज के बारे में उत्थान के लिए बीड़ा उठाया है और वो समाज के हित में काम करना चाहते हैं और इसलिए आज दो तीन एजेंडे हैं। सबसे पहले तो हमारे समाज के अंदर दो तीन आदमी ऐसे हैं, पहले समाज को की लीड करते रहे, अब समाज को कलंकित करने की कोशिश करें, उनको जो है ऊपर रोक लगाई जाएगी, समाज इकट्ठा होगा। एक आदमी ऐसा है जिसने काफ़ी पैसा गबन किया हुआ है और समाज को कलंकित किया हुआ है। हम एक सामाजिक पंचायत करके जहाँ तक हमारे से हो सकेगा उनके पैसों का उससे निवारण करवाएंगे। दूसरा समाज जो टेक्निकल पॉइंट कुछ बताए हैं अनिल कौशिक ने, हमारे समाज के जो भी काबिल बच्चे हैं उनसे मिलेंगे और उनका लाभ उठाएंगे और समाज में जो विशेष व्यक्ति मेरे साथ खड़े हुए हैं इनका भी ध्येय है कि समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। जो ब्राह्मण समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, जो दूर दूर फैले हुए हैं, उनको इकट्ठा करना, सारा समाज को इकट्ठा करके और एकजुट करना। जो समाज में एक आध आदमी भ्रष्ट है उसको अपना आईना दिखाना और उसको भी हमारे साथ लाना। सर, सबसे पहला तो हमारा जो समाज के अंदर जो मैसेज पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे थे कुछ खामियां आई हुई हैं, उन खामियों को बैठ करके सारे समाज के बीच में उसको डिस्कस किया जाए और कुछ जो समस्याएं कॉमन हैं उनका निवारण किया जाए और कुछ प्रतिभाएँ जो हैं हमारी वो रह जाती हैं जो निखर नहीं पाती, उसको निखारने के लिए भी एक डाटा तैयार किया जाए ताकि तो उस डाटे को कलेक्ट करके उनको हम कुछ प्रोत्साहित और मदद कर सकें। और जो आज की मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर हमने अपनी बातें रखी हैं और अभी भी मीटिंग चल रही है और कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का निवारण भी समाज बैठ के ही करेगा क्योंकि समाज से बड़ा कोई नहीं होता। एक दो सिंगल पर्सन होते हैं जो कि जिसके वजह से समाज कलंकित होता है, कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठते हैं और सेम कोई भी एक इंसान अगर बार बार कोई गलती करता है तो उस पर भी समाज ही रोक लगा सकता है क्योंकि समाज से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। जिनका अच्छा दिमाग चल रहा है उनको किसी प्रकार की सुविधा या कहीं किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि मैं जो भी सहायता होगी हम उसकी बच्चे की सहायता करेंगे ताकि वो भविष्य में बड़ा अफसर बने। साथ के साथ में सभी का ये मत है कि सभी गिले शिकवे बुला के एक मंच पे सभी इकट्ठे होके समाज के लिए, देश के लिए कोई अच्छा कार्य करें। रविवार को भिवानी में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मंत्री रामकिशन फौजी एवं कांग्रेस के पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध जताया। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। पूर्व मंत्री रामकिशन फौजी व पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देशों पर आज प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार व आरएसएस की मंशा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की है। उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर कोर्ट ने भी आरक्षण पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज भी इस मामले को लेकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि आरक्षण को सुरक्षित रखा जा सके और इसी प्रकार से आरक्षण चाहने वाले छात्रों के साथ या सभी लोगों के साथ न्याय मिल सके। सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनी है, एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार भी बढ़े हैं और बार बार संविधान के अंदर चेंजेस कर रहे हैं ताकि इनकी रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसकी पैरवी ढंग से केंद्र सरकार ने की नहीं। हम चाहते हैं कि इसका रिविजन डाला जाए और अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आए ताकि इनको प्रमोशन के अंदर भी और नौकरियों के अंदर भी रिजर्वेशन दी जा सके और साथ के साथ जो महंगाई उनके ऊपर ध्यान नहीं देके दूसरी बातों पे हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान इन बातों के ऊपर ये लोगों को बांटने की कोशिश करें। और उसके विरोध में जो जैसे बाबू सोमवीर जी ने, हम सब कार्यकर्ताओं ने आज हमने भिवानी जिला में के एस सी बी सी का जो गरीब शोषित दलित जो कांग्रेस सरकार जो सुविधा देती थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में जो इन लोगों के लिए सुविधा दी थी आरक्षण में,
वो आज जो है इनकी मंशा जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिविजन डाली गई है वो सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा करती है। और हमारा सब कांग्रेस पार्टी के साथियों की तरफ से हमारा निवेदन भी है और हमारा आक्रोश भी है, अगर ये रिविजन सुप्रीम कोर्ट में डाल के इसको है जैसे इसको वापस करे, नहीं तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता रोड़ों पर आएंगे। यहाँ पे एकत्रित हुई है जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के बारे में जो उनकी मंशा है वो साफ होती जा रही है कि वो उनके अधिकारों का हनन करना चाहती है। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों के अंदर पदोन्नति की बात है, सरकार को इस चीज़ के अंदर कोर्ट के अंदर गलत तथ्य उन्होंने पेश करे तो हम इस चीज़ के अंदर सरकार की मंशा के ऊपर हमारे को भी संशय होता है कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को आप समान विचारधारा के अंदर जिस प्रकार से आप देखते हैं उस प्रकार से उनको अगर आप संविधान की 9वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल करके आप ये आरक्षण का जो मुद्दा है चाहे वो पदोन्नति में हो चाहे वो नौकरियों में हो आप वो करके क्यों नहीं इसका एक स्थायी समाधान कर देते। पर सरकार जिस प्रकार से ये 2018 के अंदर ऐसी एक्ट के अंदर संशोधन किया था उस टाइम भी देश को जलाने का काम किया था। हमें इस चीज़ से साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म के नाम पर फिर आपस में हिंदुओं में आपस में ये शेड्यूल कास्ट के और अपने शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन करके उनको अधिकारों से वंचित करके आपस के अंदर जो समाज का ताना बना वो खराब। भिवानी बॉक्सिंग क्लब का 17वां स्थापना दिवस रविवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर खेलो इंडिया के निदेशक कर्नल मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह व क्लब के प्रधान कमल सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में अनेक ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हिंदुस्तान को महिला और पुरुष मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाले और मुक्केबाजी की सफल परिभाषा देने वाले भिवानी बॉक्सिंग क्लब का 17वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह के अनेक ओलंपिक व एशियाई खेलों के पदक विजेता अर्जुन अवार्डी शिष्य शामिल हुए। यह जानकारी भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान कमल सिंह ने दी। कमल सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत खेलो इंडिया के निदेशक कर्नल मनोज कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बॉक्सर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व अर्जुन अवार्ड के विजेता एवं ओलंपिक महाकुंभ में पदक विजेता विजेंद्र सिंह, अर्जुन अवार्डी ओलंपियन बॉक्सर विकास कृष्ण यादव आदि उपस्थित रहे। कमल सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में खेल जगत की और भी अनेक हस्तियां शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब का गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें अनेकों मुक्केबाज ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। शहर के लिए क्या हो सकती है कि सारे दुनिया में उसको मिनी क्यूबा कहा जाए। क्यूबा दुनिया का कैपिटल है स्पोर्ट्स की, बॉक्सिंग की। उस नाम से भिवानी जाना जाए इससे बड़ी शान क्या हो सकती है। इस भिवानी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी शान की बात है। जी अब ओलंपिक एसोसिएशन हैं, पहले क्या होता था कि एमेच्योर को ही खेलने का इजाज़त था, अभी टाइम बदल गया है। बिकॉज जब तक स्पोर्ट्स में पैसा नहीं होगा तो खिलाड़ी कैसे आएंगे। इसी आदमी सरकारी नौकरी में इसलिए जाता है कि एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो जाती है, एक शान बढ़ जाती है। अगर स्पोर्ट्स में पैसा नहीं होगा उसके लिए प्रोफेशनल बनना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लीग स्टार्ट हुई है, कबड्डी लीग आ गई, बॉक्सिंग की भी लीग शुरू होने वाली है। मैं सुन रहा था एक बार लीग आएगी तो गरीब बच्चे हैं, दूसरे बच्चे जो कहीं कुछ नहीं कर पाते थे और कहते थे खेलने लग गया तो बिगड़ गया बच्चा, अब सारी सोच बदलने वाली है। और हरियाणा तो सारी दुनिया में छा सकता है, अच्छी पहचान है। आज अपना 17वां जो स्थापना दिवस है वो मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के और ख़ास करके भिवानी और हरियाणा के जितने स्टार मुक्केबाज हैं, चाहे विजेंद्र हों, चाहे दिनेश हों, चाहे विकास किशन हों, चाहे कविता चहल हों, चाहे जय भगवान हों, सुनील कुमार हों, दिलबाग सिंह हों, प्रवीण कुमार हों, मनीष कौशिक हों, सभी मुक्केबाजों ने आके अपनी कर्मभूमि पर आज हमारी जो स्थापना दिवस है उसमें अपने जो खिलाड़ी हैं उनको एक आशीर्वाद दिया है जूनियर खिलाड़ियों को, और अपनी कर्मभूमि पर आके अपनी इस भिवानी बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी आगे जो अपनी है जो शुरुआत की है। और आज इस अवसर पर मैं सभी अपने शहरवासियों को और सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। स्थानीय तोशाम रोड स्थित TITS कॉलेज में पूर्व छात्र मिलन समारोह के अंतर्गत कुटुंब मिलाप 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीबन 200 पूर्व छात्रों ने भाग लिया। वे अपने संस्मरण अपने साथियों एवं गुरुजनों के साथ साझा किए। मंच के माध्यम से अनेक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई।
मौका था पूर्व छात्रों के मिलन समारोह कुटुंब मिलाप 2020 का। इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीबन 200 पूर्व छात्र शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुफ्त उठाया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जी के त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 1970 बैच के शिवदत्त चांदना, नायपिल नोएडा के निदेशक डीके सिंह, सोफोकॉल के सीईओ विकास चाचरा, डेवटेक्स के मैनेजर अमूल अग्रवाल इत्यादि ने भाग लिया। प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि हाल ही में TIT संस्था ने विदेशों की 5 संस्थानों से MOU साइन किए हैं, जो कि संस्था को नई ऊंचाइयों को छूने में मददगार साबित होंगे। सभी पूर्व छात्रों ने इस दौरान कॉलेज परिसर का भ्रमण किया एवं सभी प्रयोगशालाओं का अवलोकन भी किया। सामूहिक चर्चा के दौरान पूर्व छात्राओं ने वर्तमान छात्रों के उद्योग जगत में होने वाले तकनीकी विस्तार के विषय में तथा कैसे अपने आप को आधुनिक उद्योग के अनुरूप तैयार करें, इस विषय पर विस्तार से बतलाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में ऑप्टिमिस्टिक एम डजलर समूह द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। स्कून ग्रुप द्वारा प्रस्तुत गीत ने सबको अपने साथ गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। सूफी गायन में ने भी माहौल को संगीतमय बना दिया। हेलो किड्स स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया रविवार को स्थानीय दिनोद गेट स्थित टिबड़ेवाल सभागार में। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं विद्यालय अध्यापकों एवं अभिभावकों का कार्यक्रम सफल बनाने में पूरा पूरा सहयोग रहा। मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष भवानी प्रताप ने शिरकत की। दिनोद गेट स्थित टिबड़ेवाल सभागार में हेलो किड्स स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया तथा बच्चों ने अलग अलग प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया तथा बच्चों ने सामाजिक कार्यक्रम तथा नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और हमें अपने बच्चों के परिवेश सही ढंग से विशेष ध्यान देकर करनी चाहिए। वहीं उन्होंने होनहार बच्चों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। जिसमें कि मुख्य अतिथि हमारे विधायक श्याम स्वराब जी
यहाँ पर स्थित कार्यक्रम में शामिल हुए और बच्चों को आशीर्वाद दिया। और यह इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभाएं मंचन मंच पे किया और अनेकों कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, नाटक का अभिनय किया, योग मंचन किया। इसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने खेली खेल में अनेक शिक्षाएँ भी दी। और मैं सभी स्कूल के शिक्षकों को और सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से बच्चों की प्रतिभा का निखार करते रहें ताकि बच्चे हमारे आगे बढ़ करके हमारे देश का प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन करें। उन्हें बहुत शुभकामनाएं। और इसी स्कूल की एक अलग से शाखा, बड़ी शाखा शिवाजी पब्लिक स्कूल भी खुलने जा रही है, उसके लिए भी स्कूल प्रबंधन को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बताएं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान की जर्जर हालत पर जिला प्रशासन ने उठाए सुरक्षा के कदम, छात्राओं को भेजा एक सप्ताह की छुट्टी पर। ब्राह्मण समाज ने किया बैठक का आयोजन, समाज के कल्याण हेतु उठाए कदम। आरक्षण के रूप में छेड़छाड़ करने के लिए बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप, कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बॉक्सिंग कलम ने मनाया अपना 70वां स्थापना दिवस। टीआईटीएस में हुआ पूर्व छात्र मिलन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मचाया धमाल। हेलो किड्स स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक महोत्सव। हमारे संगठन बस इतना ही, अगले इनके लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।